लोक सभा इलेक्शंस तेलंगाना में जब फाइनल फिगर्स आते हैं तो काफ़ी वेरिएशन दिखा। सुबह 7 बजे से शाम में 5 बजे तक जो पोलिंग हुई वो पोलिंग जो है 6 बजे से 7 बजे के बीच में उसको पोलिंग परसेंटेज रिलीज कर दिया गया, लेकिन जब फाइनल फिगर्स आ रहे हैं तो इसके अंदर काफ़ी वेरिएशन आया, यानी ह्यूज वेरिएशन। निज़ामबाद के अंदर 14.13% जो है पोलिंग परसेंटेज इंक्रीज हुआ, ठीक इसी तरह महबूबाबाद में 8.89% इंक्रीज हुआ, नलगुंडा में 8% हुआ, सिकंदराबाद में 7.06% इंक्रीज हुआ, खम्मम में 7.32% इंक्रीज हुआ, मलकाजगिरी में 6.65% इंक्रीज हुआ, पेद्दापल्ली में 6.19% इंक्रीज हुआ, भुवनगिर में 6.14% इंक्रीज हुआ, हैदराबाद में 5.26% इंक्रीज हुआ, भुवनगिर में आदिलाबाद में 4.64%, वरंगल में 3.79%, मेदक में 3.12%, जहीराबाद में 1.87%, करीमनगर में 1.45%, महबूब नगर में 0.4%, चेवेल्ला में 0.58% जो है रिड्यूस हो गया। अब तक तो जो है जो 5 बजे तक जो लाइन में ठहरते थे, जो वोटर्स जो लाइन में ठहरे, उनको इलेक्शन कमीशन की तरफ से इजाजत है कि जो है जितने लोग लाइन में हैं उनको वोट डालने का इजाजत दिया गया। उसको एडवांटेज लेके इलेक्शन कमीशन ने फाइनल फिगर्स में 100% टैम्परिंग कर दी। जहाँ पे TRS पार्टी को नुकसान हो रहा था उसको पूरा एडजस्टमेंट करके 100% उसको करके दूसरे दिन रिजल्ट डिक्लेयर करें, ठीक है। इसी तरह हैदराबाद पार्लियामेंट की अगर हम बात करते हैं, हैदराबाद पार्लियामेंट में जब 5 बजे तक की जो पोलिंग हुई थी वो 39.49% थी, लेकिन जब दूसरे दिन जो एक्चुअल फिगर्स आते हैं, फाइनल फिगर्स आते हैं, तो वो 44.75% हो गए। लेकिन इसमें भी जो है चार मीनार असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में फिगर्स चेंज हो गए। चार मीनार असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में रिटर्निंग ऑफिसर 5 बजे तक का जो डिक्लेयर करे 39.49%, उसमें 95,063 ये वोटर्स वोट करे थे चार मीनार असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, लेकिन पलट के जब फाइनल फिगर्स आ रहे तो 94,863 हो गया, यानी 200 वोट जो है कम हो गया उल्टा। तो यानी ये कहीं पे ह्यूज इंक्रीज होना, कहीं पे डिक्रीज हो जाना, प्रॉपर मैच नहीं होना, ये हमारा शक के तरफ ले आ रहा। 100% हम इस बात को बोल रहे हैं कि रात में जो जिस तरह से जहां पे EVM को रिप्लेस करने का काम है, जहां पे पोलिंग आवर्स के बाद पोल करने का काम है, ये तमाम चीजें तेलंगाना लोकसभा इलेक्शन में गुजरे। हम एक असेंबली इलेक्शंस 2018 में अगर हम देखते हैं तो असेंबली इलेक्शंस में 24 घंटे के बाद पोलिंग परसेंटेज दिया गया, आवाम जो है जाके वोट करी, लेकिन रिजल्ट पूरा डिफरेंट रहा। इसीलिए आवाम का जो भरोसा है इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो अब कम होते जा रहा, उसकी वजह से तेलंगाना के अंदर कम पोलिंग हुई। हम डिमांड करते हैं कि बूथ वाइज आवर वाइज जो है CCTV उसको फिगर्स को CCTV फुटेज के से क्रॉस चेक करके उसको मैच करना। जब EVM काउंटिंग होता तो वो टाइम में वो बराबर मैच होना, अगर मिसमैच हो रहा तो 100% वहां रिपोलिंग करना। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन अगर ऑनेस्ट है तो डॉक्टर रजत कुमार साहब को बाजू हटा के आप इंक्वायरी कराइए, इसका रिप्रेजेंटेशन भी हम जो है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को पोस्ट करेंगे। अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।